मैं चीफ गेस्ट था इसलिए मेरे को फूल माला से स्वागत किया गया है। हेलो गाइस, वापस से एक वीडियो में आपका स्वागत है और इस ब्लॉग में हम लोग जाने वाला है मार्केट और आज है 13 तारीख और हमारे देश की आज़ादी का 75 साल पूरा हो गया है। इस शुभ अवसर पे बोला गया है कि हर घर तिरंगा लगाया जाए, तो मेरे भी छत पे तिरंगा लगेगा और उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। तो मैं और आरिफ दोनों लोग जाएंगे। आरिफ बहुत दिनों बाद मेरे ब्लॉग में आया है क्योंकि हम दिल्ली गए थे। दिल्ली का ब्लॉग नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने अपलोड की है। तो चलिए चलते हैं मार्केट और एक झंडा लाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। दो गाड़ियां हैं, एक इग्नाइटर और एक पल्सर। तो मेरे को पसंद है पल्सर, इसलिए मैं पल्सर चलाता हूँ। कभी कभी इस गाड़ी को हम चलाते हैं। ये बड़े भाई लेके जाते हैं और ये हमारे लिए है। तो गाइस, हमने बाइक पे बैठ गए हैं और अब चलते हैं। ये हमारा मेन चौक मार्केट, यहाँ पे काफी तिरंगा लगाया गया है। गांधी जी बैठे हुए हैं। मैं यहाँ का चीफ गेस्ट था तो मुझे फूल माला पहनाया गया है। सर 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 धन्यवाद। मैं चीफ गेस्ट था इसलिए मेरे को फूल माला से स्वागत किया गया है। आप मुझे बुला सकते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं मुझे फूल माला पहनाने के लिए। वापस भी करना है इसको, मेरी बेइज्जती कर दी। गजब बेइज्जती है। और ये है हमारे गांधी जी। तो गाइस, अभी हम आए हुए हैं शहीद पार्क में और ये है गांधी जी का स्टैचू जो आज फूल माला पहनाया गया है। आपको मैंने बताया ही था कि हर घर तिरंगा मुहिम चल रहा है, आप देख ही सकते हैं हर जगह तिरंगा लगा हुआ है, तो इसीलिए हम भी आए हुए हैं तिरंगा लेने के लिए। लेकिन हम जितना बड़ा तिरंगा ढूंढ रहे हैं मिल ही नहीं रहा है। मेरे को बहुत बड़ा तिरंगा चाहिए लेकिन मिल नहीं। इनके साइज का 5.5 फीट। और गाइस, यहाँ 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, काफी जोरों शोरों से फूल माला लगाया जा रहा है। तो हमने शहीद पार्क घूम लिया है और यहाँ से जा रहे हैं तिरंगा ढूंढने बड़ा सा। इससे बड़ा नहीं मिलेगा ना, कितना बड़ा। ले ले। कितना? ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। बड़ा लग रहा है, इतना सुंदर देखने को मिल। हर जगह तिरंगा लगा हुआ है, इतना सुंदर लग रहा है देखने में। गाइस, वो ठोकने वाली थी गाड़ी ला। हो गया। मैं स्पीड के हिसाब से बना। गाइस, यहाँ बलिया का दिल चुरा लिया गया है। ये है बलिया का स्टेडियम, काफी जानदार शानदार।
तो गाइस हम तिरंगा लेके आ गए हैं और जा रहे हैं अभी छत पे तिरंगा लगाने के लिए। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा रॉड है जिससे हमने ड्रोन बनाया था, उसी में हम लोग तिरंगा लगाएंगे। ये रहा वो रॉड और इसमें हम लोग तिरंगा लगाएंगे। अभी तक गांव में किसी के घर पे नहीं लगा हुआ है, पहला लगेगा हमारे घर पे। तो गाइस हमने झंडा लगा लिया है और ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे टेप करो, टेप यहाँ पे टेप लगाना पड़ेगा नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। बस बस सबसे बड़ा तिरंगा हमारा। गाइस हमें बड़ा तिरंगा नहीं मिल पाया, काफी छोटा हो गया है, रॉड बहुत बड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, कोई छोटा हो या बड़ा तिरंगा तिरंगा होता है, बस उसकी ऊंचाई को बरकरार रखना पड़ेगा। गाइज हमारा मकसद पूरा हो गया, हमने तिरंगा लगा दिया। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो गाइज हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी लगाएं और ये वीडियो आज ही आएगा 13 तारीख को। 15 अगस्त आने में 2 दिन टाइम है, तो आप भी लगाएं हर घर तिरंगा मुहिम के साथ। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।